गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास थर्ड की सब्जेक्ट सोशल साइंस का चैप्टर वन पृथ्वी एक ग्रह पर का भाग वन पढ़ेंगे, जिसमें हम पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, वह पृथ्वी किसका हिस्सा है और पृथ्वी कैसे दिखती है, उसका आकार कैसा है, पृथ्वी पर क्या क्या है, तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पृथ्वी के बारे में। तो पृथ्वी आपको जैसे दिख रहा है, ये एक सामने चित्र दिख रहा है, वह है सौर परिवार का चित्र, जिसमें सूर्य के सभी ग्रह हैं, उसमें पृथ्वी भी एक हमारा ग्रह है। तो आपको ये चित्र में जो गोला लगा रखा है वह हमारी पृथ्वी है, जो शुरू शुरू में ऐसी नहीं थी। जब कहा जाता है पुराने समय में कि सूर्य का ही एक टुकड़ा है, जब सूर्य से टकरा कर पृथ्वी कहीं दूर जाकर गिरी, और तब वह भी एक पूरी तरह आग का गोला थी और पूरी गर्म लावा था उस पर। तो वो फिर धीरे धीरे वह वहाँ बारिश कई वर्षों तक वर्षा हुई, जिससे पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हुई और पृथ्वी के भूभाग में जहाँ गहरे खड्डे थे वहाँ समुद्र बन गए, और जहाँ भूभाग समतल था वहाँ भूभाग बन गया, और जहाँ उभरा हुआ हिस्सा था वहाँ पहाड़ बन गए। और इसी तरह पृथ्वी का निर्माण हुआ, और पृथ्वी एक इस तरह से पृथ्वी दिखने लगी। तो यह है हमारी पृथ्वी। तो पृथ्वी हमारा सबसे विचित्र ग्रह है। यह सौर परिवार का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। यानी पृथ्वी के अलावा अब सौर परिवार में इतने ग्रह हैं पर किसी पर भी जीवन संभव नहीं हो सका है अभी तक, मात्र पृथ्वी के अलावा। जिस क्योंकि पृथ्वी पर हवा, जल और प्रकाश तीनों हैं, इन तीनों के कारण ही जीवन संभव हो सका है। क्योंकि एक जीव और प्राणी को जीवित रहने के लिए हवा, प्रकाश और जल की आवश्यकता होती है। इन तीनों के बिना जीवित नहीं रह सकता है। तो यह तीनों पृथ्वी पर उपस्थित है, इसलिए यहाँ जीवन संभव हो सका है। और यह एक अद्भुत है पृथ्वी। हम सब भी पृथ्वी पर ही रहते हैं, हम हैं जिसे हम धरती माता कहते हैं। अब पृथ्वी का आकार, अब हम पढ़ेंगे पृथ्वी के आकार के बारे में कि पृथ्वी का आकार कैसा है। तो आपके सामने चित्र दिया गया है, इसमें आपको पृथ्वी कैसी दिख रही है। तो आपको पृथ्वी अर्ध गोलाकार दिखाई दे रही होगी, यह नारंगी रंग की दिखाई दे रही होगी। तो जैसे नारंगी रंग की दिखाई रही होगी, जैसे ये कोई फल हो। पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा व निचला हिस्सा थोड़ा सा प्लेन होता है, चपटा होता है। वह पृथ्वी का केंद्र है। हमारा ग्रह थोड़ा पृथ्वी के केंद्र से हमारा ग्रह थोड़ा उभरा हुआ होता है। पृथ्वी के उत्तरी भाग को हम उत्तरी ध्रुव और दक्षिण भाग को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। चित्र में दिखाया गया है दक्षिणी ध्रुव यानी ऊपरी भाग को, और उत्तरी ध्रुव निचले भाग को कहते हैं। अब पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के ठीक बीच में खींची गई है, जिसे हम विषुवत रेखा वृत्त को प्रत्येक बिंदु दोनों ध्रुवों के ठीक बीच में रहता है। इस प्रकार ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है, जो बराबर दो भागों में उत्तर व दक्षिण के रूप में विभाजित कहता है।
अब इस रेखा को हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी कहते हैं। इस रेखा के द्वारा हम दिन रात यहाँ इस रेखा पर दिन और रात दोनों बराबर होते हैं, यानी ये हमारी विश्व आपके सामने जो लाइन बनी हुई है ये हमारी विषुवत या भूमध्य रेखा है जो बीच में सेंटर में स्थित है। अब है अक्षांश और देशांतर रेखाएं। अक्षांश और देशांतर रेखाएं किसी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के बारे में बताती है। जो अक्षांश और देशांतर रेखाओं पर स्थित जो देश हैं हमारे उनकी भौगोलिक स्थिति के बारे में पता चलता है कि कहाँ की भौगोलिक स्थिति कैसी है, जो जिस क्षेत्र में स्थित है कहाँ वह उन रेखाओं के आधार पर पता लगा सकता है कि यहाँ मौसम गर्म है, यहाँ ठंडा है, यहाँ शीतोष्ण है, यहाँ सदा बर्फ गिरती है या यहाँ बारिश कम होती है। हम पढ़ते हैं ना मानसून का पता कैसे चलता है, तो इन्हीं रेखाओं के आधार पर हमें मौसम की भौगोलिक स्थिति के बारे में पता चलता है। तो आपके सामने दो चित्र दिए गए हैं। पहले चित्र में आपको अक्षांश रेखाएँ दी गई है जो आपके सामने दी गई है। ये रेखाएँ पृथ्वी के इस तरह से बनी हुई होती है और देशांतर रेखाएँ पृथ्वी पर इस तरह से बनी हुई होती है, यानी ये दोनों एक दूसरे को आपस में काटती हुई गुजरती है। तो ये है हमारी अक्षांश एवं देशांतर रेखाएँ जिनके द्वारा हम देश की भौगोलिक स्थिति के बारे में पता लगा सकते हैं, क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के बारे में पता लगा सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे पृथ्वी पर स्थित महाद्वीप और महासागर। तो महाद्वीप और महासागर, आप हमारे पृथ्वी जल व भूमि दोनों से मिलकर बनी है पृथ्वी का 3/4 भाग पानी से और 1/4 भाग भूभाग से बना हुआ है, जिसका यानी हमारे पृथ्वी का अधिकांश भाग पानी से घिरा हुआ है। चारों तरफ पानी है और बीच बीच में जो भूभाग है वह हमारे महाद्वीप कहलाते हैं और जो बड़े बड़े पानी के सागर हैं वह हमारे महासागर कहलाते हैं। तो आपके सामने जो चित्र दिया गया है जिसमें नक्शा दिया गया है उसमें फर्स्ट वाले में आपको महाद्वीप बताए गए हैं। 7 महाद्वीप हैं, एशिया, यूरोप। तो अब महाद्वीप के हम पहले महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। तो पृथ्वी के भूभाग को बांटा गया है महाद्वीपों में। कुछ महाद्वीप आपस में जुड़े हुए हैं तो कुछ महाद्वीप पानी से घिरे हुए हैं। तो जैसे महाद्वीप सागर तल से एक औसत ऊंचाई तक ऊपर उठे हुए हैं, पृथ्वी के क्रमबद्ध विस्तृत भूभागों को कहते हैं, यानी जो पानी से ऊपर उठे हुए हैं और एक क्रमबद्ध विस्तृत भूभाग के रूप में होते हैं उसे हम महाद्वीप कहते हैं। ये द्वीपों से केवल आकार में ही भिन्न होते हैं। इनके अंतर्गत सागर निहित लगभग 600 फुट तक की महाद्वीपीय मग्न तट भूमि तथा महाद्वीपीय मग्न ढाल को भी सम्मिलित किया जाता है। और विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं। तो उसमें पहला महाद्वीप है हमारा एशिया महाद्वीप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो ये हमारे 7 महाद्वीप हैं। जो महाद्वीप आते तो एक दूसरे को स्पर्श करते हैं और कुछ महाद्वीप पूरी तरह चारों तरफ से पानी से घिरे हुए हैं। इसमें एशिया महाद्वीप हमारा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यहाँ की जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों बहुत अधिक है, विस्तृत है। दूसरा अफ्रीका, यह दूसरा बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका और यहाँ का 1/3 भाग मरुस्थल है। तीसरा उत्तरी अमेरिका,
तीसरा बड़ा महाद्वीप है और दक्षिणी अमेरिका चौथा बड़ा महाद्वीप है। ये दोनों एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। अंटार्कटिका, अंटार्कटिका महाद्वीप हमारा पांचवा महाद्वीप है और बड़ा महाद्वीप है और यह वर्ष पर्यंत तो बर्फ से ढका रहता है। यहाँ की जलवायु बहुत ही ठंडी है और यहाँ साल भर बर्फ जमी रहती है। और छठा यूरोप, यूरोप हमारा छठा बड़ा महाद्वीप है और सातवां ऑस्ट्रेलिया बड़ा महाद्वीप है। एशिया और यूरोप आपस में एक दूसरे को स्पर्श करते हैं और अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया तीनों महाद्वीप पानी से चारों तरफ से घिरे हुए महाद्वीप हैं। तो ये हमने पढ़ा आज महाद्वीप के बारे में, पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी कैसी थी, कैसी और अब कैसी दिखती है और उस पर क्या क्या है, उसका आकार कैसा है। तो ये सब हमने पृथ्वी के बारे में और उस पृथ्वी पर स्थित महाद्वीप के बारे में जाना। अब हम पढ़ेंगे कल महासागर के बारे में। तो उस अब हमने जब तक जितना भी पढ़ा है उसके लिए हम पहले आपको अपनी होमवर्क कॉपी में प्रश्न करने हैं। जो मैं आपको प्रश्न बता रही हूँ उसको अपनी कॉपी में लिखना है होमवर्क का। तो प्रश्न नंबर 1, कौन सा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। तो हमने अभी पढ़ा है कि जीवन कौन से ग्रह पर संभव है, तो मात्र पृथ्वी ग्रह पर, क्योंकि यहाँ हवा, पानी और प्रकाश तीनों की उपलब्धता है। तीनों यहाँ उपलब्ध है, इस कारण जीव जीवित रह सकता है, इसलिए जीवन संभव हो सका है। तो कौन सा ग्रह है, पृथ्वी। दूसरा, महाद्वीप के नाम लिखिए। तो महाद्वीप जैसा हमने पढ़ा है महाद्वीप सात प्रकार के हैं और उसमें कौन कौन से हैं, पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिणी अमेरिका, पांचवा अंटार्कटिका, छठा यूरोप और सातवां ऑस्ट्रेलिया। तो ये हमारे सात बड़े महाद्वीप हैं जिस पे जनजीवन व्यक्ति रहते हैं।